हाय गाइस, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम इस समय मनवा आए हुए हैं। देखिए आप वहाँ की सीन देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। आप सभी देख करके जान सकते हैं कि यहाँ पर आने से लोग कितना आनंदित होते हैं। देखिए और ये जो दिखाई दे रही है बाइक, हम लोग इसी बाइक से आए हुए हैं। बहुत छोटी दिख रही है। देखिए कितनी ऊंचे खड़ी हुई है। इस समय हम लोग नीचे आए हैं टहलने के लिए। चलो देखते हैं आगे की सीन, दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए जो अभी आपको हम कैमरे में दिखा रहे थे, अब उसी समय या उसी जगह पर हम पहुंच चुके हैं। देखिए आपको हम उसी होल की तरफ ले चल रहे हैं, जिस होल को पुराने समय में राजाओं ने बनवाया था। चलो पहुंचते हैं बहुत ही जल्द वहां पर, और इसे हम गुफा भी कह सकते हैं। देखिए ये जो होल दिख रहा है, देखिए आपको हम पास से दिखा दे रहे हैं। जी हाँ, देखिए इसी के बारे में हम कुछ देर पहले अभी हम आपको बता चुके हैं कि ये जो होल बना हुआ है, यहाँ से लखनऊ तक की रास्ताएं खुली हुई हैं। धरती के अंदर ही अंदर उसी सिग्नल के माध्यम से वो वहाँ पर पहुँच जाते थे। देखिए अंदर भी आपको ले चल रहे हैं धीरे धीरे। देखिए चल रहे हैं। देखिए ये जो रास्ता अंधेरा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर रास्ता है। आपको तो शायद अंधेरा ही दिख रहा हो। और इधर से जो होल इधर अंदर की ओर दिख रहा है, वहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं। वहाँ तक हम पहुँचने में असमर्थ हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी जीव रह रहा होगा। देखिए आप लोग इस गुफा से परिचित हो चुके हैं, अब आपको बता दे रहे हैं ये जो जिसको हम लोग कहते हैं कि मनवा का टिल्ला, जी हाँ वहीं की ये गुफा है, जिसको भूल भुलैया भी एक प्रकार से कह सकते हैं। इसके अंदर कोई भी व्यक्ति अगर जाएगा तो उसका बचना संभव नहीं है, असंभव है। हम तो नहीं कह सकते कि वो वहाँ से वापस आ सकता है, अगर 100 मीटर वो अंदर चला जाए। और इसी के पास से ये गोमती नदी भी निकली हुई है। इसको दिखाने में हम आप लोगों को सक्षम हैं। देखिए हम पहुँच चुके हैं अब नदी के पास। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ का नज़ारा देख रहे हैं, अगर इसको देखेंगे आप तो आपके अंदर भी आने की इच्छा जागृत होगी। देखिए और यहाँ पर बहुत ही एकाग्र होकर आना पड़ता है कि यहाँ पर कोई जानवर ना हो। देखिए ये गोमती नदी है, इसके उस पार जो है नाव के द्वारा जाया जा सकता है। ये जानकारी आप तक रुपेश के द्वारा पहुंच चुकी है।